अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनुशा रहमान, आप देख रहे हैं सहाफत न्यूज़। तौहीद अदालत केस, अदालत की एसन इकबाल को आवाज नीची रखने की हदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में वफाकी वजीर दाखला को आवाज नीची रखने की हदायत करते हुए तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल कराने का हुक्म दे दिया। बुध को जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वफाकी वजीर एसन इकबाल के खिलाफ तौहीद अदालत केस की समाहत की। वफाकी वजीर दाखला एसन इकबाल अदालत में पेश हुए। समाहत के दौरान वजीर दाखला एसन इकबाल के वकील ने दरख्वास्त की कि इनके मुवक्किल को सुना जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पहले अदालती हुक्म को पूरा करें, हम सिर्फ कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और कुछ नहीं। एसन इकबाल ने कहा कि वो अदलिया का एहतराम करते हैं, तौहीन अदालत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बयान में बतौर शिकवा किया के अदालत ने रिमार्क्स दिया कि एम के मुताबिक आप किसी जज के कंडकट बारे बात नहीं कर सकते, आपके लीडर की वजह से कसूर का वाकया हुआ। बतौर वफाकी वजीर आपने क्या किया, जिस पर वफाकी वजीर ने बताया की सुप्रीम कोर्ट में नासिबा अल्फाज पर कार्रवाई का हुक्म दिया। अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एसन इकबाल का कहना था कि वो रोल ऑफ लॉ पर अमल करते हैं, अदालती तस्दीक कभी पहले की ना और ना ही आइंदा करेंगे। अदालत ने एसन इकबाल को तहरीरी जवाब दाखिल कराने का हुक्म देते हुए समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दिया। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।